ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 20 नंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर ये 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। ये जो गोचर है गुरु का कुंभ राशि में, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। इसका जो प्रभाव होगा वो भी बहुत ही प्रभावी रहेगा। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ये इंडिविजुअल जो लग्न और राशि हैं उनके ऊपर नहीं है आधारित, बल्कि इसका एक कंबाइंड जो प्रभाव पड़ेगा लोगों की भी लाइफ में और नेशन लेवल पर भी, उसको टारगेट करके इस वीडियो को मैं बनाना चाह रही हूँ। इस पर मैं बात करूँ आप लोगों से, उसके पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को पहले थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिए, मैं इस वीडियो को तक शेयर करिए। गुरु ग्रह जब कुंभ में आएंगे तो इनका जो प्रभाव रहेगा, ये क्या संभावनाएं दे सकता है, इस चीज़ को अगर समझना हो तो कैसे हम लोग इसके परिणाम को निकालें। देखिए, गुरु जो ग्रह है अपने आप में ही बहुत बड़ा ग्रह है, तो इसका परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी अपना प्रभाव देगा और बहुत मेजर इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि ये मकर से निकल करके कुंभ में जा रहा है और मकर में रह करके गुरु ने बहुत सी चीज़ों को नुकसान भी किया होगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। तो बहुत से लोगों की लाइफ में और नेशन लेवल पर भी देखा जाए तो बहुत सी जगहों पे काफ़ी दिक्कतें भी रही होंगी, जो प्रभाव इनका आने वाला है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के लेवल पर भी देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए, हर एक तरह से शुभता वाला परिणाम देंगे। हालांकि ये 4-5 महीने का टाइम पीरियड है, लेकिन इस समय में भी गुरु की ये जो स्थिति है काफ़ी मजबूत रहेगी, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये कई चीज़ों को एक साथ प्रभावित करेंगे। हर एक राष्ट्र का, हर एक व्यक्ति के जीवन में जो पैसों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसमें एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। उसके स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होती हैं, उसके धन संपत्ति, उसकी समृद्धि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी जो है बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो हर एक व्यक्ति के जीवन का एक उसका इंटेलिजेंस लेवल होता है, उसकी एक समझ होती है, उसकी जो दूरदृष्टिता होती है, उसका जो किसी भी चीज़ों को करने का तरीका होता है, उन सभी क्षेत्रों में मजबूती आएगी। और ये नेशनल लेवल पर भी होगी, जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे राष्ट्र हैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें, ये बदलाव देखने को मिलेंगे। जो आम लोग होते हैं, जो पूरी जनता होती है, या जो हर एक व्यक्ति है, उसका जो माइंडसेट होगा उसमें एक शुभता आ जाएगी। उसका जो सोचने का तरीका होगा वो लोगों के हित का हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो हैं सीधे प्रभाव डालेंगे, व्यक्ति की सोच को बदलने का प्रयास करेंगे, व्यक्ति की आत्मा के ऊपर एक असर डालेंगे, क्योंकि ये सूर्य के घर को एक्टिवेट करेंगे, तो ये लाभ को भी बढ़ाएंगे, सरकार को भी मजबूती देंगे, धन की भी वृद्धि करेंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से धन का प्रवाह बढ़ता हुआ मिलेगा। जो आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी वृद्धि, मजबूती, एक बहुत ही शुभता वाली स्थिति, बहुत ज़्यादा व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, उसकी जो थॉट है, उसकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उसमें एक मजबूती, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये सारे परिणाम जो हैं गुरु देंगे। इसी के साथ साथ जितना भी व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, जो भी व्यवसाय है, चाहे वो कोई व्यक्ति अकेले अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर रहा हो, या किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहा हो, या वो किसी भी तरह का सेल परचेस का काम कर रहा हो, इन सारे क्षेत्रों में गुरु जो है
शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। ओवरऑल जो एक व्यापार होता है, व्यापार का जो क्षेत्र है, उसमें ये विस्तार देंगे, उसमें ये मजबूती लाएंगे। तो ये जो 4 महीने 5 महीने का टाइम पीरियड होगा गुरु का, इसमें आप देखेंगे कि बिजनेस, व्यापार, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। जो मार्केट है, शेयर से जुड़ा हुआ जो मार्केट है, जो फिल्म इंडस्ट्री की जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसे सारे लोग जो कि किसी भी तरीके के क्रिएशन के वर्क से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एक्टिंग का फील्ड हो, गेम से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, उन सारे क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु उन चीज़ों को भी शुभ करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति के अंदर जो एक इच्छा शक्ति होती है, उसका जो एक पराक्रम होता है, उसकी जो मेहनत करने की प्रवृत्ति होती है, इन सारी चीज़ों में भी एक मजबूती दिखाई पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और इस चीज़ का फायदा हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स जब एक इक्वेशन बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं, उसकी सोच को बदलते हैं। तो ये जो बदलाव होता है, उसका हमें फायदा ले लेना चाहिए। इसी के साथ साथ ये गुरु जो है, जो हम लोगों का देश है या कोई भी कंट्री हो, आप ये देखेंगे कि आने वाले महीनों में लोग जो राष्ट्र भी होंगे, उनकी जो मनोवृत्ति होगी, उनकी जो टेंडेंसी होगी, वो लोगों के साथ में एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। वहाँ पे वो वाद विवाद करने का प्रयास नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट की ओर बढ़ने के बजाय वो चीज़ों को सॉल्व करने के मोड में आएंगे। जो भी नेबर कंट्रीज हैं, उन लोगों के साथ में जो एक डिस्प्यूट जैसी चीज़ें होती हैं, उसकी जगह जितने भी मैटर्स हैं, उनको सुलझाने की ओर लोग बढ़ेंगे। इस तरह की मनोवृत्ति देखने को मिलेगी। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं, गुरु के प्रभाव से मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो हैं इस तरह की शुभता देंगे लोगों को। क्योंकि लोगों के मन को, उनकी आत्मा को, उनकी बुद्धि को, उसमें ये प्योरिटी लाएंगे, उस चीज़ को ये कोर लेवल पर जा करके उसको मजबूत करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो लोगों की जो सोच रहेगी, वो एक कंस्ट्रक्टिव मोड की ओर जाएगी। ये एक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा गुरु का। तो ये जो गोचर है गुरु का, कुंभ की राशि में आना, ये बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगा। बौद्धिक क्षेत्रों में बहुत बड़े परिवर्तन कराएंगे गुरु ये। जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड हैं, या जो भी बौद्धिक क्षेत्र होते हैं, जो भी एयर से जुड़े हुए फील्ड होते हैं, उन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, जो कि लोगों के हित के लिए होंगे। लोगों में ज्ञान के प्रति एक ललक, एक प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पर काफी साउंड स्टेट में अपने आप को फील करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर इस तरह की प्रवृत्ति हो जाए, तो बहुत सी चीजें तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाती हैं। तो गुरु ये सारे इफेक्ट्स देंगे। और एक चीज आप और भी देखिएगा, गुरु का जब कुंभ में रहना होगा, ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को कर्मठ भी बनाएंगे। लोगों का फोकस जो है, वो चीजों को लेकर के बहुत ही पर्टिकुलर हो जाएगा। जब ये शतभिषा के नक्षत्र से निकलेंगे, पास होंगे गुरु, तो ये राहु को भी एक्टिवेट करेंगे। तो जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो राहु से प्रभावित हैं, चाहे वो ग्लैमरस फील्ड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कैमरा से जुड़ा हुआ फील्ड हो, जो भी चीज़ें इल्यूजन से जुड़ करके होती हैं, उन सारे क्षेत्रों में भी बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े बड़े बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे। क्योंकि गुरु जो है, राहु को भी एक्टिवेट करेंगे, या ये कह लीजिए कि राहु के ऊपर एक तरीके से गुरु का कंट्रोल होगा। या जो राशि है, कुंभ की राशि, तो गुरु जब राहु के नक्षत्र से जाएंगे, तो राहु भी मजबूत स्थिति में है। अप्रैल तक राहु वृषभ में रहेंगे, तो जो वृषभ का राहु है, वो गुरु के प्रभाव में कमी नहीं देगा, गुरु के प्रभाव को वो सपोर्ट करने का काम करेगा। क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र से निकलेंगे, और राहु जिस राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में, वो स्थान उसका अच्छा है। और वो जो दूसरी राशि है, ये गुरु का गोचर जो है, धन को, समृद्धि को,
इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेगी। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सारी चीजें बढ़ती हुई मिलेंगी, राष्ट्र के लेवल पर भी देखा जाए, नेशन के लेवल पर भी, तो वहां पे भी सारी चीजें शुभता देती हुई मिलेंगी, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, तो वो मजबूत स्थिति में है, वो इन चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। धर्म, कर्म, आध्यात्म, उच्च शिक्षा, विदेश से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, उन सारे क्षेत्रों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो 20 नवंबर से लेकर के 12 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, गुरु जब कुंभ के राशि में रहेंगे, तो ये बहुत ही शुभता वाले परिणाम देने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसका रिजल्ट भी लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति के लाइफ में, फाइनेंस को लेकर के, बच्चों से संबंधित, उसके लाइफ पार्टनर, व्यापार, बिजनेस, उसके कम्युनिकेशन, उसके हायर एजुकेशन, उसके फॉरेन से जो रिलेशन है, दूर के देशों से जुड़ करके जो कार्य व्यवसाय है, हर एक व्यक्ति के लाइफ में जो उनके बच्चे हैं, जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, या जिन लोगों के संबंधों में पहले कुछ बिगाड़ रहा होगा, वो सारी चीजें सुधरती हुई, पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ेंगी, तो काफी ये अच्छा प्रभाव देंगे गुरु। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं लग्न और राशि के ऊपर, तो मैंने पहले एक वीडियो दे रखा है, लेकिन एक कंबाइंड कैसे गुरु प्रभाव देंगे उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूं, उसी को लेकर के मैंने आज ये वीडियो दिया है आप लोगों को। और ये जरूर आप लोग अपने मन में समझ लीजिएगा कि जब भी कोई ग्रह अच्छी स्थिति से होकर के निकलता है, तो जो हमारी 12 लग्न और राशियां होती हैं, वो प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, किसी भी हाउसेज में बैठा हो, चाहे वो 3 हाउसेज में ही क्यों ना बैठा हो, तो भी वो जो अपना परिणाम देता है, बैकग्राउंड में जो उसको सपोर्ट मिलता है, वो जो काल पुरुष की पत्रिका होती है मेष लग्न की, उसका ही उसको बैकग्राउंड से एक एनर्जी मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है, तो वो भले वो 3 हाउसेज में बैठा हो, 3rd में हो, 6th में हो, 8th में हो, 12th में भी हो, फिर भी एनर्जी उसको चूंकि वहां के मिल रही होती है, तो वो प्रभाव कुछ ना कुछ शुभता वाला जरूर देता है। इस चीज को आप लोग कभी भी मत भूलिएगा, जब भी आप गोचर को समझना चाहते हैं, किसी भी प्लेनेट के गोचर को समझना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में काल पुरुष में उस प्लेनेट की क्या प्लेसमेंट है, उसको माइंड में रख करके ही सारे परिणाम को निकालना रहता है। तो ये जो गुरु का गोचर है, ये हर एक तरह से आर्थिक लाभ करवाएगा, हर एक सेक्टर में जो है सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छा गोचर इसको कहा जाएगा। तुलनात्मक रूप से जो पिछला टाइम निकला हुआ है, उसमें काफी दिक्कतें रही हैं लोगों की लाइफ में, लोगों के कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान भी रहे होंगे, कुछ उठा पटक, उतार चढ़ाव रहे होंगे, वो सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी। तो आने वाले टाइम पे ये सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी, गुरु लोगों के रिश्तों को बहुत ठीक करेंगे। कुंभ राशि में जब गुरु रहेंगे, तो ये सीधा प्रभाव डालेंगे जो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप को लेकर के तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, या संबंधों को लेकर के, या किसी की मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव वाली चीजें रहती हैं, उन सारी चीजों को ये बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। तो जिन लोगों की कुछ वाद विवाद वगैरह रहे हों, चाहे बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, इस पीरियड में उनको सुधारने का काम करना चाहिए, उसको वापस से सही करने का काम करना चाहिए। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।